बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन तुहाड़ी खिदमत च हाज़र है तुहाड़ा होस्ट बाबर बेग और मेरे भाई मंजर अमीन साहब तुहाडे सामने और दोस्तों की जनाब खिदमत असी हाज़र हाँ। और अज असी गल करनी चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मंजर भाई का तो ऑलरेडी 100% ट्रैक जिहड़ा उह चेंज कर दिता कि मतलब ये अल्लाह ताला दे फुल राबते च आ गए तो असी भी अलहमदुल्ला इन्हां दे हां और शायद साडा भी 100% ट्रैक चेंज हो जाएगा क्योंकि जिहड़ा रस्ता सराते मुस्तकीम दा वो ही बेहतरीन रस्ता है और कुछ ऐसा होना चाहिए कि बंदा आखरत दा समान इकट्ठा कर सके। और मैं इधर चल रहा सा कुछ दोस्तों की रहनुमाई उहदे विच साडे एक दोस्त ने दुबई तो व्हाट्सएप ने और मेरे कुछ मोहसन ने जिन्होंने मैनूं कहा जी तुसीं मतलब चलो तो असीं तुहाडे नाल हाँ और मैनूं उन्होंने हौसला दिता और असीं इत्थे एक फलाह दा जिहड़ा सिलसिला है वह शुरू कर दिता। अच्छा जी, उस बहुत सारे ऐसे दोस्त ने जिन्हों का सानू जनाब वो कॉल आती है वो सानू गल कहते हैं जी फलां बंदे का तुम जनाब जरा ना चढ़ाया तो वह सानू नंबर दे दो। नंबर असी नहीं किसी देंगे अगर साढ़े को भी है तो वह ना देने की एक वजह पहली वजह है कि स्टार्ट दे जी असी जो एक काम शुरू किया असी उन्हों का जिक्र नहीं करना चाहते अल्लाह उन्हों का भला करे वो भी वीडियो मैं ही अपलोड की ना वो साढ़े नाल मिसबिहेव हो गया मिसयूज होए असी मतलब सानू उन्होंने जो दसिया वो हकीकत ना निकली कोई भी सन लेकिन अल्लाह ताला उहदा भला करे। दूसरा ऐ ते होया एक जिहदे तों असीं सबक सिखिया दूसरा एक उहदा पॉइंट जिहड़ा मैनूं मंदर अमीन साहब ने दित्ता अच्छा जिहदे नाल मैं इतफाक किया और असी उहदे विच वे कि अल्लाह कोई एक दो शादियां ने असीं उह भुगता भी चुके हाँ मतलब लेकिन असी जो कुछ किया अपने हाथी किया वो नंबर ना देने दे या मतलब इस तरह करन दे खदशात ने वो मैं मंदर साहब को पूछना चाहवांगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, की हाल ने मंदर साहब? अलहमदुल्लाह शुक्र अल्लाह दा भाई। अच्छा वो जिहड़ी असी गल कर रहे सां जी जिहड़ी तुसी मैनूं कह रहे सो कि असी वो गल नाज़रीन नाल भी करांगे वो जरा गल नाज़रीन नाल शेयर करो कि की खदशात ने कि अगर कोई बंदा मतलब वो पैसे भिजवांदा डायरेक्ट भिजवांदा उहदा की इस्तेमाल हो सकता है अगर करने आ तो की इस्तेमाल हो सकता? वो देखो जी गल वे साहब मेरा ये मान कि तुम मैं अगर कहते हो कि भाजी अगर किसी बच्ची की शादी या शादी है तो तुम कहते जी मैं तुम दसो मैं की कर सकना वा मैं कहना जी मैं तुम खाने का अरेंज कर दौ कुड़ी का समान दे दौ ठीक है जी दो चीज़ा ने ना जी दो चीज़ इस अलावा तो कोई चीज़ नहीं है तो तुम मैं तो मैं चुक के उन्होंने कुड़ियों दे दिना जी वो मैं कई बार वेख्या कि वो अपना फात ने बड़िया मतलब तेल मेहंदी कर ली माइयों कर ली ओके जी जी बेजा रिश्तेदार सूट देते बेजा जिहड़ा कोई मकसद ही नहीं है ठीक है जी फिर कुछ ऐसे कपड़े ब्याहों के बनते ने सिर्फ एक दिन पहनते हैं लेकिन उनकी कीमत जिहड़ी है वो बड़ी हाई होंदी है। वो मेरा मोटो है वे कि मैं अगर किसी ने मैनू कोई बंदा कहिंदा ना जी असां तो मैं फिर कहना जी तुसीं तारीख दस दिओ मैनू तो बंदा एक तो सब तो पहले जो मैनू कहे ना कि भाजी 200 बंदा है तो मैं कहना जी बंदे घटा लो बरादरी में चलता तो मैं फिर सीधा कहना बरादरी को चले जाओ मैं तुहाडी कोई हैल्प नहीं कर सकता ठीक है जी कोई लाड नहीं गा इहदे च कोई लाड नहीं तो जे बंदे नॉर्मल हो तो फिर मैं कहना जी तुसीं बेफिक्र हो जाओ तो मैं थोड़ा अरेंज कर दिंदा वा तो फिर अलहमदुल्ला वह अरेंज कर दिया बल्कि एक दफा साढ़े महल च ना अल्लाह बख्श भा कालू हों फौत हो गया उन्हें गया भा जी मेरी ना बेटी शादी है तो वह कुछ अरेंज करना तुम मैं क्या भा जाना कहना जी मैंने बस छोटा मोटा मेरी मेरी धी का कुछ समान बन जाए ना रोटी का समान वो पता लगा कि आसम बुहारी साहब ना आसम बुहारी साहब उन्होंने एक कोई बनाई है तंजीम तो ना रबी उल अव्वल दे महीने दे विच या उहदे बाद उह शादियां करवाउंदे ने उत्थे मॉडल टाउन च ठीक है उह खैर मैं उन्हां नूं फोन कीता मैनूं वी अच्छा वेखो तैनूं कोई गल दस जदों तुसीं कोई नेकी दा करदे हो ना अल्लाह तुहाडे नाल भलाई दा फैसला कर लैंदा अल्लाह उह मेरी तो ही यार आसम बुहारी साहब इह काम करदे ने ते मैं जनाब आसम बुहारी साहब नूं फोन कर दित्ता मैं आसम बुहारी साहब अस्सलाम वालेकुम मंदर अमीन बोले हाँ हाँ मंदर मैं क्या मैंने पता लगे कि काम कर दे कहने हाँ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਅ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਾਲਟੋਨ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੰਜ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਲਟੋਨ। ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਵੈਗਨ ਬੈਗ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਆਸਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 20,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ 40,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਵਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1.5 ਲੱਖ 'ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਚੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ, 3 ਜਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 15,000, ਸਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, 3 ਜਣੇ ਆਇਓ ਨਾ ਅਤੇ 5-5 ਖਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਜਣੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ 5-5 ਖਾ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਪਾ ਲਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਏ, ਫਿਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? 10 ਗੁਣਾ ਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, 10 ਰੁਪਈਏ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਿਲਣਗੇ 70 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁੱਜਣ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ,
नहीं हो सकती। चाची धी का अस्पताल है इतने रठौर आई अस्पताल है चंद किले अलहमदुल्ला बीबी का इलाज अलहमदुल्ला अगे नो बड़ा फर्क इलाज ठीक है जी। असं अल्लाह इलाज भी करावे असी विह भी करावे और फिर किसी राशन की लड़ है तो असं आप बड़ी मोहब्बत करने बहुत सारे लोग बैठे ने और जिस तरह मतलब मोहब्बत फरमान इतने भी बहुत सारे लोग मोहब्बत फरमान मौजूद ने जाने मतलब हम सा एक दोस्त है जनाब अभी करवाना है लेकिन उस सिर्फ सानू को थोड़ा बहुत खर्च करना पेगा। हाँ जी करा ऑपरेशन भी उदा जड़ा उस जगह ते और मतलब जड़ा ओदी मेडिसिन तरीका भी वो मतलब बहुत अच्छा होएगा। और ने जी मिकी नु जी 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 मिकी ओदी एंजियोग्राफी है ते ओ 33000 दे विच एंजियोग्राफी है अबल ते करदे नहीं पे पंजाब कार्डियो डेली दिन ठीक है जी कहंदे जी कोरोना में लेकिन मैं अपने उस दोस्त नाल गल कीती है डॉक्टर कामरान शेख ज़ायद उन्हें कहा मंदर साहब बिल्कुल नहीं हो सकता लेकिन एवं भेज दौ मैं उसकी एंजियोग्राफी 11000 रुपये करा देना इंशाल्लाह। मेरी अजक मैं अजीम विकी फोन कर तो वो फोन अटेंड नहीं कर रहा उन्होंने फोन करना वे तो उन्होंने भेजना उजी पैसे जी सा जरा जी मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा आर्टिस्ट अजीम विकी जनाब पिछले उन्होंने हार्ट अटैक हो गया से और इतने मौजूद लेकिन चूंकि फैसलाबाद रहने वाले दिन तो आए हुए सन इतने उन्होंने फैसलाबाद वापस चले गए ने लेकिन असी चूंकि वो चले गए सन फिर बीमार होने तो बाद असं चाह रहे सी उन्होंने जिंदगी है वो थोड़े सामने जी मतलब लिया जाए और उन्होंने जाए और इंशाल्लाह उन्होंने असं गल करके वो भी थोड़े तक पहुँचावे तो गल असी यह कर रहे सी देखो मतलब है वे कि हो सकता है कि तुम टारगेट जो सू एक बंद का भेजे है सम टाइम ऐसा होंगे कि असं दो लोगों से डिवाइड कर दो जो मुस्त बंदे ने दो घर तुसी एक बंदे दे इलाज दे वास्ते पैसे भेज दे उहदे च दो लोगों का इलाज हो जाता ठीक है जी। असीं यह चाहते हाँ कि मतलब असी जिहड़ा वो किसे वास्ते वो जिहड़ा अच्छे तरीके नाल हो सके और बहुत सारिया चीज़ इत्थों सानू उहदी गुंजाइश हो जाती है मतलब सानू मिल जांदियां ने या सानू लोग मतलब साडे नाल तुहाडे फरमा दिंदे ने तो ऐ वी कि सिलसिला मसला हल हो जाता है जरा मुतमिन हो जाता है। जिस तरह गुरमंत्र साहब दस रहे सन कि शादी का अगर कोई सानू कहिंदा तो वो लोग मेहंदी तो बेजा पैसे खर्च कर देंगे ने मकसद है कि एक अगर बेटी नूं रुखसत करना है तो जिहड़ियां अहम और चीज़ा ने वो तो जरूरी ने मतलब फर्द करो वो वास्ते को घर का समान को बर्तन को पीढ़ी को मंजी ए तो सारिया चीज़ा ने लेकिन वो जो सूटा का लैन देन जरूरी नहीं ना ही मेरा ख्याल जो तो कि इस्लाम से कोई दीस से कोई जिक्र आता नहीं जी। मैं ये गल वसूख ना कर रहा वा कि मैं तजर्बा किया मेरी शादी हुई जी तो मैं मेरी वालदा अल्लाह बख्शे मैं क्या अम्मा जी अच्छे सूट लाउन दे बुढ़िया सिलाओ सस्ते वो अलहमदुल्ला कई साल चले ने अल्लाह और ये बिल्कुल बेहतरीन सन अज भी मैं अपनी बीवी नू या बेटिया नू कपड़े लिया के देना वा तो अच्छा 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 कपड़ा लिया के देना ठीक है। और ये नहीं होंगे कि महंगा है तो वह हूँ एको बारी पैना है तो उस तो बाद होना भी नहीं टकाई रखना है वह नहीं रेगुलर इस्तेमाल करो चीज़ तो यानी साडे वास्ते भी फायदेमंद है तो अगले उन्होंने फायदेमंद है जी। चलो अल्लाह पाक अपनी रहमत रखे तो यह असी जी थोड़े मतलब बहुत सारे दोस्त खास तौर पर जदों को फीमेल का मामला होंदा तो फौरी कहंदे ने जी नंबर असी थोड़े नाल मुहब्बत करने आ तुसी साडे नाल मुहब्बत करो तो दोस्तों का दोस्तों का बेहद अमृत नाल होंदा तो असी जनाब तुहाडी ऑनर करने आ रिस्पैक्ट करने आ तो खुद सानू करिया शर्मिंदा होया करो ना करिया करो। मैं मिसाल दे रहा गल खत्म करने तो पहले कि साढ़े महल च ना तकरीबन कोई 5 महीने पहले ना समेत मेरे घर गटर का पानी आने लग पे टूटिया पानी आने लग पे तो मेरा एक दोस्त है तो उन्होंने मैं वो एवं तो फोन अचानक फोन आ गया अचानक भी नहीं किया तो मैं एवं कहता मैं यार बड़ी परेशानी इतने 4-5 घर ने तो गटर का पानी आ रहा नहीं कहता हल की है मैं जी पंप लगने ने तो 50000 का एक पंप उन्होंने कहा गल ही कौन तू शुरू कर अलहमदुल्लह इस टाइम 11 फैमलिया उन्होंने पंपा तो पानी लै रही है किन्ना यार कि जिन्होंने मेरे घर खुद पानी गटर का पानी आ रहा है मेरे घर से तो अलहमदुल्लह जी फैमलियाँ 24 घंटे पानी इस्तेमाल कर रही ने सदका जारी होना भाई हाँ जी। तो मैं किसी पैसे नहीं दिते मैं अपने हाथी पंप लवाए कोल खलो के
कुछ भी नहीं किया महल्ले किसी भी नहीं किया कि भाई पंप लवा दो। मैं महसूस किया मैं यार इन्हें घर पानी होना चाहिए है जी। घर ने मैंने कहा भाई पानी तो एडा जरूरी नहीं सी सानू को तुसी कोई खाण पीन का कोई बंदोबस्त। मैं वह भी कर दें गल मेहरबानी कोई गल नहीं वह भी किया फिर अलहमदुलिल्लाह। मतलब ये कि ये वेखो ना सदका जा रही है साडा जिन्हें भेजे है उन्होंने महसूस हो रहा है कि यार मेरा वाकई लग गया उत्थे की ख्याल है बाबर जी। अलहमदुल्ला जी इंशाल्लाह मंदर साहब जनाब साढ़े नाल ने और इंशाल्लाह असी बहुत जल्द जिस तरह मैं पिछले भी वीडियो दस्या सी असी इंशाल्लाह तारक जमील साहब को भी असी जा रहे हैं और थोड़ा जहा करोना हालात तो वाक और असं थोड़े जहा लेट हाँ इंशाला तो अच्छे अच्छे जो लोग ने इंशाला असं समझा कि साड़ी सरपरस्ती करन कभी साहब को जाना है असम बुहारी साहब को जाना है असम बुहारी साहब को जाना है मसूद अख्तर साहब को जाना है अख्तर साहब को जाना है और मंदिर साहब तो मैं जरा इंशाला असं थानू अक्सर ही कदम ब कदम जनाब इंशाला जिनी देर तक साहब की डोर है तो इकट्ठे नजर आवेंगे और जनाब अल्लाह ताला तुहानू अपनी हिफ्ज़े मान च रखे और जनाब भी दुआ फरमा देना और थले कमेंट्स लाइक शेयर करना जनाब तो कमेंट्स का सानू इंतजार रहेगा जी। ये ही तुहाडे कोलों असीं इजाजत चाहवांगे चलदे चलदे प्यारे देश के ना एक प्यारा जनारा पाकिस्तान जिंदाबाद।